हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 19 फीट बाई 45 फीट में है और ये जो प्लॉट है वो वेस्ट फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। एक तरफ ये खुला हुआ है फ्रंट में, बस फ्रंट से जाने का हमारा रास्ता है। बाकी तीनों तरफ से ये प्लॉट जो है वो बंद है। यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में घर बने हुए हैं और पीछे में भी घर बना हुआ है, लेकिन इस प्लान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि हमारे घर के अंदर उजाला रहे और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नक्शे को बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप भी अपना घर बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। सबसे पहले जो है आपको मिल जाती है बालकनी, जो कि यहाँ पे जो है बालकनी दी गई है। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सारी ये जो है बालकनी की लाइन है। ये जो पिंक कलर में जो लाइन है, जो हल्की मोटी जो लाइनें दिख रही हैं, वो बालकनी की लाइन है। 2.5 फीट की चौड़ाई है और यहाँ पे 3.5 फीट की चौड़ाई है। यहाँ पे 2.5 फीट की चौड़ाई है, 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बालकनी का डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे घर का जो लुक आएगा बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लोहे की ग्रिल आप लगा देंगे तो बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव व्यू आता है। हमारे घर के अंदर जाने के लिए दो रास्ते मिलते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से भी अपने घर के अंदर जा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ड्राॅइंग रूम दिया गया है जो कि 10x9.5 का है, और यहाँ पर जो है एक विंडो दिया गया है W3, जो कि यहाँ पर इस दीवार में विंडो लगाएंगे। बाहर से जो रोशनी आ रही है वो हमारे इस ड्राॅइंग रूम में उजाला रखेगी। इस डोर की जो चौड़ाई है 3 फीट है और ये वाला जो डोर है 2.5 फीट चौड़ा है। तो इधर से हम अपने गेस्ट को इधर से लेके जा सकते हैं और घर के अंदर से भी इस ड्राइंग रूम में आ सकते हैं, इसको एज ए गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक डोर दिया गया है जो कि लोहे का आप डबल डोर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डबल डोर है। ओपन करेंगे तो इसमें जो हमारी कार है वो कार पार्किंग में चली जाएगी डोर को ओपन करने के बाद से। और ये जो यहाँ पे कार पार्किंग दी गई है लगभग 8 फीट की चौड़ाई में है, तो यहाँ पे आप स्मॉल साइज की कार जो है बहुत आसानी से पार्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो डोर होगा यहाँ पे 7 फीट चौड़ा आप डोर लगा सकते हैं। तो इधर से हम ओपन करके अपने कार पार्किंग में जा सकते हैं और इधर से ही अपने घर के अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे तो हमारी सीढ़ियाँ जो दी गई हैं हमारी कार पार्किंग से ही दी गई हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला कदम पड़ेगा वो यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कदम ऐसे बढ़ाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। और यहाँ से आने के बाद से सीढ़ियाँ यहाँ पे घूम जाएंगे और यहाँ पे हम अपने छत पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सीढ़ियों की चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2.5 फीट की चौड़ाई है। ये वाले जो 2-3 स्टेप है वो 2.5 फीट चौड़े हैं, 2 फीट 6 इंच चौड़े हैं। और ये वाले जो स्टेप है इस डायरेक्शन में, ये वाले ये सारे 3 फीट चौड़े हैं। यहाँ पे 3 फीट की चौड़ाई में आपको यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है। और यहाँ पे ट्रेड की बात करते हैं, जिसपे अपना पैर रखेंगे वो इसमें 9 इंच का है और राइजर इसमें 7 इंच का दिया गया है। सीढ़ी के नीचे कार पार्किंग की जाएगी और यहाँ पे कार पार्किंग के नीचे आप यहाँ पे सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। और यहाँ पे एक रूम मिल जाता है जो कि हमारी कार पार्किंग से ही अपने इस रूम नंबर 1 में जा सकते हैं और यहाँ से घर के अंदर से भी इस रूम में आ सकते हैं। इसके लिए 2 डोर दिए गए हैं। यहाँ पे जो है 11x11x9.5 का आपको ये कमरा मिल जाता है। ये जो रूम है यहाँ पे बेड और सोफे प्लेस करके दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है इस दीवार में, तो कार पार्किंग में जो रोशनी आ रही है बाहर से वो इस विंडो को ओपन करने से हमारे इस कमरे के अंदर उजाला रहेगा। इस कमरे के लिए एक और विंडो दिया गया है जो कि यहाँ पे 2.5x4 फीट का विंडो आप यहाँ पे इस दीवार में लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पीछे में OTS दिया गया है जो कि हमारी छत में खुला रहेगा 2.5x3.10 इंच का। ये OTS जब ओपन रहेगा, खुला रहेगा छत में, तो बाद में लोहे की जाल से इसको कवर करेंगे तो इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जो है रोशनी आएगी और यहाँ पे फ्रेश एयर का सर्कुलेशन भी होता रहेगा इसमें। तो इस विंडो को ओपन करेंगे तो हमारे इस कमरे के अंदर उजाला रहेगा। तो इस कमरे के लिए आपको 2 विंडो मिल जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक 4 फीट चौड़ा डोर दिया गया है जो कि डबल डोर है। इसको ओपन करके अभी तक अपने हॉल में जा सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है जो कि बाहर से रोशनी आ रही है कार पार्किंग में, तो इस विंडो को ओपन करने से हमारे हॉल के अंदर भी उजाला रहेगा। हॉल की जो लंबाई मिल जाती है आपको 13 फीट 8 इंच मिल जाती है और 8 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है और यहाँ पे हॉल में सोफे वगैरह भी लगा के दिखाए गए हैं। अपने अनुसार इन सब चीज़ों को आप अपने अनुसार भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक क्लोज किचन मिल जाता है जो कि 9.5x6 का है। ये क्लोज किचन है, ये बंद है। यहाँ पे एक डोर लगाएंगे तो इस डोर को ओपन करके हम इस किचन के अंदर जा सकते हैं। इस किचन के अंदर का जो विंडो है इसके लिए वो यहाँ पे एक विंडो दिया गया जो कि 2.5x4 फीट का। तो सेम OTS से जो हमको रोशनी मिल रही है वही वाली OTS के थ्रू हमारे इस किचन के अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन होगा और जो धुआं होगा वो इस विंडो से बाहर की तरफ निकल जाएगा। एक टॉयलेट एंड बाथरूम यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारे हॉल के सामने है, तो इस टॉयलेट एंड बाथरूम का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके यहाँ पे 3 फीट 10 इंच की इसकी लंबाई है। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे जो इसकी लंबाई मिल जाती है लगभग आपको मिल जाएगी 5 फीट के आसपास में, तो यहाँ पे 4.5 फीट के आसपास में मिल जाएगी।
तो यहाँ पे जो है टॉयलेट एंड बाथरूम ये मिल जाता है, क्योंकि पहला टॉयलेट एंड बाथरूम है। एक और टॉयलेट एंड बाथरूम है जो कि हमारे हॉल के इस तरफ में है, यहाँ पे 7.5 फीट बाई 4 फीट 9 इंच का यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम है। तो दो टॉयलेट एंड बाथरूम आपको इस प्लान के अंदर मिल जाते हैं, तो जिससे हमारे खेत के अंदर में मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको दो टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी बात करते हैं तो बेडरूम नंबर 2 मिल जाता है, जो कि 11 बाई 11 बाई ये जो है आपका 11 बाई लगभग 11 का है, ये 11 बाई 11 का है। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे डायमेंशन मैं दिखाना भूल गया, लेकिन लगभग ये 9.5 फीट तो यही भी हो जा रही है और 3 फीट ये हो जा रही है, तो 9.5 प्लस 3 ये 12 है 12.5 है, तो लगभग ये 12 12.5 फीट से अधिक की है। ये जो है आपको ये जो है रूम है लंबाई में, यहाँ पे लगभग 13 फीट है, 13 बाई 11 का है। और यहाँ पे जो है टॉयलेट एंड बाथरूम जैसे कि मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे एक ओटीएस दिया गया है, जो जैसे कि ओटीएस मतलब आगे की तरफ दिया गया है यहाँ वाला, सेम यहाँ पे भी यही फंक्शन है। यहाँ पे भी ओटीएस छत में खुला रहेगा और यहाँ पे भी इसमें रोशनी आएगी। इस कमरे के लिए विंडो जो है इस दीवार में लगाएंगे 3 बाई 4 का, तो जो इसमें जो रोशनी आ रही है वो इसके थ्रू हमारे इस कमरे के अंदर उजाला रहेगा और ताज़ी हवा का सर्कुलेशन भी इसी के थ्रू हमारे इस रूम के अंदर होगा। यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो इस डोर के थ्रू होगा। डोर यहाँ पे जो है आप यहाँ पे 4 फीट या 5 फीट ऊंचाई में आप डोर लगा सकते हैं, या इसके ऊपर में आप यहाँ पे डोर के ऊपर में एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। यहाँ पे डोर देने का पर्पज़ ये है कि इस डोर को ओपन करके आप इस ओटीएस वाले इस पोर्शन में जा सकते हैं और यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और इसको एज ए वॉश एरिया इस जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अभी इसमें बात करते हैं वॉल साइजेस की। मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जो दीवारें दी गई हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड की, इसमें 5 इंच की दी गई है। ये सीढ़ी वाली जो दीवार है वो इसमें 9 इंच की है, और फ्रंट की जो दीवार है आगे की दीवार और जो दी गई है वो इसमें 9 इंच की है। और बात करते हैं तो घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो भी इसमें 5 इंच की दी गई हैं, और पीछे वाली जो वॉल है वो इसमें 9 इंच की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्लान अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया कि इस प्लॉट के जो हमारे ओनर हैं, आज के क्लाइंट जो हैं हमारे गणेश सिंह जी हैं, जो कि बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए नक्शा मैंने बनाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।